और संगत जास्ती होने के नाते कई दफा ध्यान उखड़ जाता है। इतने भी अगर तुम बैठा हो किसी कोने कोने बैठो फिर इतने भी शमून बहुत सोहना हो सकता है। वैसे साढ़े गुरु जड़े हैं जो दशमेश पता नहीं थापे गुरु मान्यो ग्रंथ, गुरु मान्यो ग्रंथ। असि तो बैठे गुरु हैं लेकिन साढ़े मन के अंदर गुरु का आदर बहुत घट हों, सोचे करते हैं मन च गल करते रहने या दरबार जाके गल करते आपस में, लेकिन जिस कल होना उसे साढ़े वो विशेष करके मन के उसका प्रकाश होता है कि तुम ज़्यादा देर उन्होंने जुड़े रह सकते हो। यह यतन है अपने अपने करो। तो जी गुरबाणी पढ़नी है इसका बहुत लाभ है, वो जो लाभ है गुरबाणी पढ़न का वह किसी वेले भी तुम कि साध संगत विचरते हो तुम अलर्ट रहते हो कि जो गल करते गुरमत के अनुसार है या नहीं है, जो नहीं है तो झट कह सकते हो नहीं भाई महाराज जी हुक्म तो ऐसे चल रहे हैं गुरु ग्रंथ साहब के तो सानू उस पासे लगना चाहिए है। साड़ी हिम्मत साडा हौसला साडा ज़्यादा मन का जो जुकाव है वह गुरमत वाल होना चाहिए है, क्योंकि जी गुरमत है सिखी है ये जी है फिर समय ऐसा राज है गुरु नानक साहब का इशारा पैदा है। सानू जो कुछ मिलया है शायद श्री गुरु नानक साहब पास मिलया है, असी इन्हों का स्मरण करते हैं इन्हों का ही नाम जपते हैं और हर एक बेनती भी यही करते हैं कि साध संगत जीओ धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो असं लंबे साह के नाम करते हैं तो साढ़े जो लिव है भी नहीं वो निम्रता आती है, वो प्यार जागता है, वो ज़्यादा अटैचमेंट रही है जो साढ़े तो हर श्रेणी का आदमी आ सकता है। साढ़े दरबार के हर श्रेणी का आदमी आते हैं इस करके असी उन्होंने दुख देखने हैं, असी उन्होंने रोग दूर करने हैं। तो सिखी का जरा आकार है और प्रचार है यह बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, ना ही इतना बड़ा ग्रंथ तो ना ही इतनी बड़ी सूझबूझ किसी ग्रंथ में आई है। हमें छोटी जी याद आती है कि पातशाह कि सिद्धा के नाल तार करना पै गया तो सिद्धा ने पूछा महाराज तुम कहना याद करते हो, वो कह लगे भाई तुम तो दसो तुम कहना करते हो, कहते असं अहंकार का करते हैं, वो कह लगे एक आए जोर ला लो एक अहंकार का करो, अहंकार एक ही हो सकता है। फिर उन्हें समझ आई हाँ महाराज ता ही तुम सानू सुपीरियर हो, ता ही तुम साडी हर एक गल का जो जवाब है वो बिल्कुल सही सानू इस तरह लगता है कि ये तो योग दुरुस्त कोई राय चीज है नहीं। सो एक अहंकार का सिमरन भी कर सकते पर जो एक अहंकार का सिमरन देने वाले हैं उनको घट नहीं है, क्यों जो असं उन्हें पासों डायरैक्ट लवेंगे तो सू उन्होंने आकार विचों उन्होंने प्रकाश विचों ही सानू यह रहमत मिलेगी। जो उन्होंने रहमत अपने प्रकाश विचों रहमत मिलनी है तो असी तो बहुत भागशाली हैं। अज असी कहने कि जिन्होंने दर्शन किए हैं गुरु महाराज के वो धन हैं, वो धन है, जो धन हैं तो गुरबाणी के सुख भी आवे। आप नारायण कलाधार जग में परवरियो, आप नारायण कलाधार जग में परवरियो। नारायण जड़ा है वह ऑलमाइटी, असी विष्णु भी कहने नारायण, विष्णु इस करके कहने कि उस नारायण ने पहला भेजा, सब तो पहला विष्णु भेजा, इस करके असं नारायण कहने हैं। लेकिन जो नारायण हैं वह विष्णु को भी पर साहब श्री गुरु नानक देव जी वो ऐसे में ही समय सब तो उपर जो सब तो उपर हैं तो असं उन्होंने सिमरन करते हैं
असीं उन्हां दे चरणां च लगे हुए हां ते सानूं रहमत भी इसे करके बहुत छेती मिलती है। और इस दरबार दे विचों हर प्रकार की रहमत मिलती है, हर प्रकार की रहमत मिलती है और रहम मिलता है। ये रहमत रहम जिहड़ा है ये जिसके को है तन है। मेरी उस नमस्कार, एक दफा नहीं दो दफा नमस्कार है। ये प्रकाश तुरों आता है और तुर के नाल साड़ी लिब लगती है जितों असं तुरे हुए हाँ। और जे असी उस लिब के नाल लिबते रहिए तो मैं समझदा असं जितों आए से उत जावे, किसी गंद की जगह तो नहीं जावे, भूत प्रेत नहीं बना गए, दैत देव दैत तो नहीं बना गए, बस देव बना गए। सो ये जरा सिलसिला है इसको आप अपनाना है, जिस तरह भी तुम अपना सकते अपना, क्योंकि आज तक अपने रवैया तवजा साल हो गया सेवा करने 53 साल तो असी यही नाम रखा। मैं तो खासकर यही प्यारा लगा है इस नाम के बीच जितने सारे देव लोग हैं सारे इन्होंने नाल हैं, जितने देव लोग हैं सारे साहब श्री गुरु नानक देव जी के नाल हैं साथ हैं, सानू इहदा भी बड़ा प्रभाव रहिंदा है। असी लोग कोशिश करते हैं किसी नू अशुभ वचन ना कर दईए, साडे लोगों की यह हमेशा कोशिश रहती है कि अशुभ बत्तर ना साढ़े पास निकल जाए, क्योंकि सानू बड़ा हानिकारक हुंदा है। जो शुभ बचन करेंगे तो वह सानू फायदेमंद है और जो संगत आती है वो वास्ते भी फायदेमंद है। सो तुसी कोशिश करया करो कि सीधे उपर आ जाया करो, उपर आके अपने सिरनी विच जुड़ जाए। तो जिहड़े लेट आते हैं उन्होंने वास्ते भी साढ़े को थोड़ा प्रोग्राम हुंदा है, अते 5 घंटे वास्ते हर दरबार के विच असीं धन गुरु नानक का सिमरन कराने। इतने असी मेरा ख्याल है 1-2 दरमियान कराने, तो इंग्लैंड असी 8-8:30 बजे तक कराने, होरना दरबारों के भी जिस तरह सुविधा मिलती है वो करवाते हैं। हम यह नहीं सानू पता लगता कि किन्ने क प्यार दे नाल लगे हैं तो किन्ने क एवं आदमी तौर पर करते हैं। यह सिमरन है यह अपने चरणों के ध्यान रख के वो करो, वो आप सफल चास्ती होवे। सो यह मैं अज कहना सी, हम थोड़ा दरबार अगले एतवार में लगता। अच्छा अगले एतवार में आओ तुसी, जिन थोड़ी संगत होंगी असं ज़्यादा अच्छी तरह हम विचारधारा लिया सकते हैं। दस जिमें विसाखी वाले दिन से रहमत के बहुत उदा ही तुम निहाल से सारे, और मैं एक आप जी ने दान मिलया है साहिबां पासों, वो ये है कि इस कदम असी हौली 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 हम सुखी की अवस्था में ले जाना मांगते हाँ, ताकि आप सारे मोस्ट मॉडर्न पंथ के विचार दें। यह जरा पंथ है सिखी का पंथ है, यह सब तो आसान भी है तो मोस्ट मॉडर्न भी है, तो दातों का सागर भी है, दातों का सागर भी है। ये सब कल हुक्म हुए हैं तो हौली हौली संतों में इस पास ले चलीए, तो ये असं साहब गुरु नानक साहब पासों ज़्यादा दात लै सकते हैं और उन्होंने चरणों तो असं ज़्यादा सफलता लै सकते हैं अपने जीवन में। ये दो तारा सानू जरूर चाहिए, हर तारा के दाता हैं। सो अज आप जी बेनती करने वास्ते बनाया से, अगले एतवार तुम आओ देखो की हुक्म होंगे हैं।
तो मैं आप जी पासों आज्ञा लवांगा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जियो, पूरी शरण तुम्हारी आशा, तुम ही सजन सोहेले, राखो राखन आर दयाला, नानक कर के बोले, बेलावल महला पंजमा, बंधन काटे आप प्रभु, हो कृपाल दीन दयाल प्रभु, पार ब्रह्म ताकी नदर निहार, बंधन काटे आप प्रभु, हो कृपाल दीन दयाल प्रभु, पार ब्रह्म ताकी नदर निहाल, गुरपुरे कृपा करी काटिया दुख रोग, मन तन शीतल सुखी पया, प्रब ते आवन जोग, राव औखद हर का नाम है, जित रोग ना व्यापे, साध संग मन तन हिते, फिर दुख ना जापे, हर 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 जापिए, अंतर लिव लाई, किल विख उतरे शुद्ध हुए, साधु शरणाई, सुनत जपत हर नाम जस, ताकि दूर भलाई, महामंत्र नानक कथे, हर के गुण गाई, महामंत्र नानक कथे, हर के गुण गाई, वाहे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतेह।